हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय फूड ट्रांसफॉर्मर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नाजरीन चाइनीज़ सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनेगी और क्विक बनेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए, बोनलेस चिकन चाहिए क्यूब्स में कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, नमक चाहिए हसबे जायका जितना आप डाल सकते, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, सफ़ेद मिर्च जो है 1 टेबल स्पून, और जो है चिकन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, 1.5 डाल सकते हैं आप। सोया सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जो है चिली सॉस चाहिए, 2 टेबल स्पून सिरका चाहिए, और जो है 1.5 टेबल स्पून जो है पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। वेजिटेबल्स में जो है हमें चाहिए 1 गाजर जिसको चॉप कर लिया है बारीक, बॉयल 2-3 अंडे लिए हैं हमने यहाँ पे जिनका सफ़ेद पार्ट जो है इसको चॉप कर लिया है हमने, येलो को अलग कर दिया है। यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल कम या ज़्यादा कर सकें। इसको भी जो है चॉप काट लिया है, इसको बॉयल करते हुए नमक और हमने जर्दे का रंग डाला है इसमें। यहाँ पे हमें जो है 2 शिमला मिर्चें चाहिए और इसको हमने भी बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 2-2.5 जो है वो बंद गोभियाँ ली हैं जिनको अपने बारीक स्लाइस में इस तरीके से काट लिया है। पैन में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम सबसे पहले चिकन डालेंगे जो क्यूब्स में कटी हुई, इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन फ्राई होगी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। चिकन का कलर चेंज होने लगेगा। चिकन फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन की क्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भुना जा चुका है, अब हम डालेंगे बंद गोभी, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बंद गोभी डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें जो है बाकी के मसाले, नमक, ये सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और ब्लैक पेपर भी पाउडर जो है वो भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे जब तक बंद गोभी जो है फ्राई होके नरम ना हो जाए। गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम डालेंगे चॉप गाजर और साथ में गाजरें हमने ऐड कर दी हैं। अब साथ ही हम शिमला मिर्च को भी शामिल कर देंगे। अब जो है वो 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ये डाला है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस हमने शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। सब्जी को कुक होते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस स्टेज पर डालेंगे बॉयल एग। इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे आप चख सकते हैं नमक और काली मिर्च, अगर आपने और टेस्ट के मुताबिक डाली। वैसे चाइनीज़ सब्ज़ी ज़्यादा चिली वाली नहीं होती, ज़्यादा स्पाइस नहीं होते उसके अंदर, लाइट से इस मसाले होते हैं, और ये वेजिटेबल खाने में बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अब आप आलू को भी शामिल कर देंगे। बहुत डिलीशियस बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब हमारी जो अगली रेसिपीज़ जो आ रही हैं वो हम जब सर्दियों के हवाले से बनाएंगे, पाए वाए और ये सारी चीज़ें।
तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वेजिटेबल हमारी कुक हो चुकी है अच्छे से, 3 मिनट तक हमने इसे कुक किया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, आप इसे नान के साथ और वाइट बॉयल चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है आज की हमारी चाइनीज़ सब्ज़ी जो आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्ज़ी को, और जो है मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर न्यू हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।